ओम ज्ञानधीमरांधस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज हमारे पास सफिशियंट टाइम है, ठीक है। इतना मेहनत के बाद जो है फाइनली हमने मतलब ऐसा लिंक खोजा है जिसमें मतलब ये जो है अनलिमिटेड चलेगा, बट स्टिल आई हैव टू स्ट्रिक्ट ऑन द टाइम ऑब्वियसली। लेकिन एक फायदा इसमें ये है कि अब पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि बीच में लिंक मतलब चला जा रहा था, टाइम लिमिट टाइम ओवर हो जाता था तो क्लास बीच में रुक जाती थी। तो कल भी ऐसा ही हुआ एक्चुअली, है ना। क्लास इतना अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में ही मैं सोच रहा था कि लास्ट वाला एग्जांपल भी खत्म करूं, बट स्टिल लेकिन वो मैं देख नहीं पाया और वो बीच में खत्म हो गया। तो लास्ट में फिर मैंने सबको पर्सनली मैसेज भेजा था, तो आज मैं थोड़ा ये डिस्कवर कर रहा था। मैंने कहा तो एक बच्चे ने हेल्प किया मेरा, तो बोल रहे थे ये चलेगा आपका लंबे समय तक, तो इसलिए। और फिर क्या है कि मुझे भी बहुत फास्ट बोलना पड़ता है एक्चुअली। पता नहीं मेरी लैंग्वेज कितने लोग पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत स्पीड के साथ मुझे बोलना पड़ता था कि कितना सारा इसमें समझाने के लिए है और टाइम बहुत कम था, तो ये भी है। और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तो टाइम ही नहीं था, तो इसलिए कुछ दिन से चल रहा था। लेकिन आज जो है अच्छा चलेगा, ठीक है। तो कल के सेशन में हमने क्या देखा था, कल के सेशन में हमने देखा था कल का टॉपिक क्या था, पावर ऑफ सेंसेस, है ना। कि सेंसेस जो है कितने पावरफुल होते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी योगी क्यों ना हो, जब तक वो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, तब तक वो है जो सेंसेस के जो टेम्पलेशन है उससे कभी बच नहीं पाएगा, राइट। तो उस हमने फिर स्टोरी देखा, एक वीडियो आपको दिखाया था, राइट। वीडियो के बाद फिर हमने एक आपको लास्ट में फिर स्टोरी भी दिखाया था व्यासदेव का, राइट। किस तरीके से व्यासदेव जो है मतलब वो बोलते हैं अपने शिष्य को जैमिनी ऋषि को के शास्त्र में व्हाट एवर इज रिटन इन द शास्त्रास, शास्त्रास मींस वर्ड्स ऑफ कृष्णा, शास्त्रास मींस वर्ड्स ऑफ कृष्णा, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र वही है जो भगवान ने दिया हुआ है। इसलिए वहां का हर एक एक वर्ड, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस 100% ट्रूथ है। इट डजेंट मैटर वेदर यू बिलीव और नॉट, इट डजेंट मैटर, बट लेकिन जो भी उसमें लिखा है वो 100% ट्रूथ है, ठीक है। इसलिए अलग अलग प्रकार के ये एग्जाम्पल के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपको बस यही समझाने का हमारा प्रयास है कि आप जो है शास्त्र की बातों पर बिलीव करें। क्योंकि आप देखिए जब हम इतनी सो में मतलब ये सोचिए मैनकाइंड है, और ये इतनी सारी जो मैनकाइंड मतलब मेंटल स्पेकुलेशन से बनी हुई जो थ्योरीज हैं आजकल है, एक के बाद एक के बाद एक थ्योरी आ रही है। हाँ, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोट्स मॉडल एंड दिस मॉडल दैट मॉडल, सो मेनी मॉडल्स आर कमिंग एंड दे आर फेलिंग एवरी साइंटिस्ट, दे आर फेलिंग टू ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि ये हमारा परफेक्ट, वो बोल रहे हैं हमारा परफेक्ट है। और कॉलेजों में इतनी सारी इंजीनियरिंग की इतनी सारी बुक्स आ रही है, एक के बाद एक आ रही है। व्हाई? हर व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये मैं जो लिख रहा हूँ ये परफेक्ट होगा, लेकिन उसको दूसरा व्यक्ति फील कर देता है, बिकॉज अवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। इसलिए आप जो कुछ भी लिखोगे तो वो इम्परफेक्ट ही होगा। हाँ, परफेक्ट तभी होगा जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेंगे जो परफेक्ट है, और परफेक्ट कौन है, कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो कृष्ण जो है वो क्या है, कंप्लीटली पूर्ण है। पूर्ण का मतलब क्या है, 100%। उसमें से अगर आप एक चीज माइनस करोगे तो भी वो 100 रहेगा, और अगर 1 प्लस भी कर दोगे तब भी क्या रहेगा, 100 रहेगा। ये मतलब होता है किसका, पूर्ण का, ठीक है। कृष्ण इज द पूर्ण। इसलिए शास्त्र जो है वो सब 100% ट्रूथ है। तो आज का हमारा श्लोक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस, आज का श्लोक है 2.62 एंड 63, दोनों हम कवर करेंगे आज के इसमें श्लोक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये भगवत गीता का पूरा मतलब सेकंड चैप्टर का बहुत जाना माना श्लोक है, बार बार आता है, प्रभुपाद इसको बार बार कोट करते हैं, और बेसिकली हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम प्रैक्टिकली इस श्लोक में जो हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली हम गुजरते हैं अपनी लाइफ में, हम गुजर रहे हैं हर व्यक्ति, स्पेशली यूथ लाइफ, अभी जो समय चल रहा है आप सब लोगों का, उस चीज से हम गुजर रहे हैं। चलिए, ये श्लोक केवल इसी पर बेस्ड है।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति बिभ्रमः स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसमें बोल रहे हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। तो बोल रहे हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, मतलब ध्यायतो का मतलब होता है क्या, कंटेम्पलेशन। ध्यायतः, ध्यायतः मींस कंटेम्पलेटिंग। किस पे कंटेम्पलेशन कर रहे हैं? कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है कि उस चीज को बार बार सोचते रहना, विचार करते रहना, उसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन। हाँ, किस पे विचार करना? ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय, विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं? कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? आप सब लोगों को अभी तक जितना भी क्लास हुआ है इतना तो क्लियर हो चुका है सब लोगों को, विषय और विषय मतलब ये सेंस, विषय और विषया मतलब सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, सबको क्लियर है अभी तो। कितने कितने सेंसेस हैं हमारे? पांच सेंस हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, आईज नोज टंग ईयर स्किन। और सेंस ऑब्जेक्ट क्या है ये भी आपको पता है, हर जो सेंस है उसका सेंस ऑब्जेक्ट है। आई, आई का सेंस ऑब्जेक्ट साइट, कान ईयर का सेंस ऑब्जेक्ट साउंड, नोज इसका सेंस ऑब्जेक्ट स्मेल, टंग सेंस ऑब्जेक्ट टेस्ट, और स्किन इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, टच। ठीक है, तो इस तरीके से सब पांच सेंस ऑब्जेक्ट है। तो इस पे क्या कर, जब होता है जब व्यक्ति कंटेम्पलेशन जब करने लगता है तो उससे क्या होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते। जब व्यक्ति कंटेम्पलेशन करते रहता है, बार बार सोचता रहता है किसी चीज के बारे में, सोचता रहता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, सोचते रहने से क्या होता है, फिर उसके उसके प्रति आसक्ति, अट्रैक्शन, अटैचमेंट बढ़ जाता है। फिर जब सोचो ना, आप किसी चीज के बारे में सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन है, बहुत टेस्टी है, एक बार आपने खा लिया, फिर मन में सोचते रहते अरे यार काश एक और मिल जाता। सोचते रहते मन में फिर इच्छा हो जाती है कि चलो यार खा ही लेते हैं फिर। तो मतलब ये क्या है, तो कंटेम्पलेशन लीड्स टू अटैचमेंट, मतलब उसका फिर संग करने की इच्छा होती है, राइट। फिर अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन से जब अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन से क्या होगा, संगात संजायते कामः। अट्रैक्शन होगा तो फिर उसका संग करने की इच्छा हो जाएगी, लस्ट उत्पन्न होता है। लस्ट मतलब वही सेंस ग्रेटिफिकेशन, फिर वो कामना जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है आपके मन में, क्या वो मैं गुलाब जामुन खा के ही रहूंगा फिर। और जब वो डिजायर जब फुलफिल नहीं होती है, जब वो फुलफिल नहीं होती तो फिर क्या होता है, कामात क्रोध भी जाए थे। जब फुलफिल नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर डॉक्टर बोलेगा नहीं 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 खा सकते तुम, डायबिटीज है, फिर गुस्सा आता है, फिर कामात क्रोध भी जाए थे। तो ट्रांसलेशन प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, While contemplating the objects of the senses, जब बार बार सोचते रहते हैं उसके बारे में तो क्या होता है, a person develops attachment for them, attachment बढ़ जाता है उसके प्रति, and from such attachment lust develops, फिर उसकी काम वासना होती है, नहीं नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, और जब नहीं चाहिए नहीं मिलता है तो from lust anger arises। ये मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, lust काम वासना, जब lust फुलफिल हो जाता है तो क्या बढ़ता है, greed, और चाहिए, आई वॉन्ट मोर 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 एंड मोर मोर एंड मोर। और जब वो फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, कि इसको तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, राइट, नहीं चाहिए मुझे ये, तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो पूरा प्रैक्टिकल है कि नहीं, है ना, एकदम प्रैक्टिकल है, हम इसको जिसको फील कर रहे हैं, इसलिए इस लोग है पूरा प्रैक्टिकल। फिर आगे क्या होता है, ठीक है, जब गुस्सा आ गया, जब व्यक्ति गुस्सा आता है तो फिर क्या करता है, जब गुस्सा आ जाता है तो क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह। आप लोगों को देखा होगा, जब जब हमें गुस्सा आता है तो फिर उस समय हम क्या सही है क्या गलत है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं। सामने टीचर खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं, भैया खड़े हैं, कौन खड़ा है पता नहीं, कुछ भी बोल देते हैं हम, है कि नहीं, गुस्सा, क्यों गुस्सा में व्यक्ति क्या, सम्मोहा, मतलब व्यक्ति डिलूजन, बिबल्डन हो जाता है, उसकी बुद्धि मतलब उसकी मेमोरी काम नहीं करती है। जब व्यक्ति गुस्सा आता है तो फिर वो सोचता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब दिमाग ठंडा हो जाता है तब उसको पता चल जाता है, यार मैंने क्या कर दिया ये, तो बहुत फिर बाद में पछताते हैं। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में से आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये मैं प्रैक्टिकल अपना रिलेशन बता रहा हूँ बहुत गुस्सा आता था मतलब इतना गुस्सा आता था कि सामने कोई बात आता तो कुछ भी बोल देते थे, बर्तन फोड़ देते, फोड़ देते प्रैक्टिकली। बट आफ्टर कमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीथिंग बिकम सेटल डाउन, राइट। तो से मतलब ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, इसे मतलब हम सीख सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करता है, राइट। मतलब जितने भी अनर्थास हैं सब चले जाते हैं, क्यों, नाउ आई केम टू रियल नॉलेज, एक्चुअली अभी सब पता चल गया है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, है ना। इसलिए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कि गुस्से से क्या होता है, खुद का ही खून जलता है एक्चुअली, राइट। सामने वाले को कुछ नहीं होगा, आपको खुद का ही उसमें नुकसान है, इसलिए कभी कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमेशा कॉम रहना चाहिए ऑलवेज। उसका भी एक तरीका है, गुस्सा होता है तो उसको किस तरीके से
उसको करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है ना। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन उन्होंने गुस्से में क्या किया था, लंका को जलाया था, तो गुस्से को उन्होंने अलग चीज में अप्लाई किया है, मतलब दूसरे लोगों के लिए, मतलब दोज वर नॉन डिवोटीज लाइक रावण, तो इन द सर्विस ऑफ राम, तो इस तरीके से उसका है, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर जनरली मतलब भक्तों को तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि दे ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, इसलिए। लेकिन ये इफेक्ट है एकदम, जैसे मैं आपके खुद का मेरा रियलाइजेशन आपको बताया, एक कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद मतलब जो गुस्सा है वो कंप्लीट तरीके से पूरा चला गया, पूरा तरीके से पता चल गया ना कि अभी कि उसका कोई यूज, वो पूरा यूजलेस है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, केवल केवल अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। इसलिए कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, नेवर, ऑलवेज बी पीसफुल है ना। फिर जब सम्मोह, जब डिलूजन में फंस जाते हैं, तो उससे क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर हमारी स्मृति मेमोरी जो है फिर वो काम नहीं करती, फिर वो बंद हो जाती है, फिर क्या, ठीक है, फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जब स्मृति जब नष्ट हो जाती है, तो उससे फिर क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है इंटेलिजेंस, वो भी फिर खत्म हो जाती है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप लोगों ने सुना होगा, विनाश काले विरुद्ध, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तब उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, काम नहीं करनी, काम करना बंद कर देती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाशात प्रणशित, उसमें ये है ट्रांसलेशन में, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिवल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, व्हेन मेमोरी इज बिवल्डर्ड इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और जब व्यक्ति की जब बुद्धि खत्म हो जाएगी तो फिर क्या बचेगा, व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल फूल, पूरा मतलब उसका जीवन बर्बाद, फिर वो सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, आई एम कंप्लीटली यूजलेस है ना, मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इस ऐसे ही व्यक्ति फिर आगे जाके यही यही वो व्यक्ति हैं, यही वो लोग हैं जो या तो खुद को सुसाइड कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं, राइट, 99% केस में ऐसे ही होता है, राइट। उनको पता चल जाता है कि अपने जीवन कुछ मकसद है नहीं, सब तो खत्म हो गया है, जैसे आजकल मूवी में दिखाया जाता है। तो उसके लिए मेरे पास एक पीपीटी है, ये सेशन मैंने बहुत पहले दिया था, आज वो इसी से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों को जो है इसको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये जो था, ये आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल पे सेशन था, तो ये एक्चुअली इसी श्लोक से ही वो मतलब रिलेटेड है पूरा, तो इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा था, ध्याय तो विषयान पुंसा, तो ध्याय तो विषयान पुंसा मतलब वाइल कंटेम्पलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट पर जब कंटेम्पलेशन करते रहते हैं, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, ये जैसे आजकल कॉलेजों में होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, जैसे किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का गर्लफ्रेंड है तो वो सोचता रहता है उसके बारे में ना, तो इसके ये क्या चल रहा है, कंटेम्पलेशन। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए सब, पूरे कान खोल के रखिए और आंखों को ओपन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और चीज कहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कंटम्पलेशन मतलब आपने किसी चीज को देख लिया, देखने में दिक्कत नहीं है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि आंखें हमारी, हम आंखें बंद करके नहीं जा सकते बाहर, ठीक है, आंखें हमें खोलना ही पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो बाहर हमें देखने को मिलती हैं, हर हर जगह देखिए, हर जगह पोस्टर्स, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, हर जगह दुकानों पर देख लीजिए पोस्टर्स, हर जगह, ठीक है, केवल नेगेटिव सीन ही देखने को मिलते हैं और कुछ देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि वही जो है उसी में व्यक्ति को मजा भी आता है और लोग फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग करके पैसे भी कमाते हैं, लोगों को भी मजा आ रहा है और उनको भी दोनों खुश है, तो क्या करें, है कि नहीं, व्यक्ति भी फंसना है, उनको भी अच्छा लग रहा है, तो फिर वो भी फंसा देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था मछली का, उसको हर चीज लगता है कि ये मेरा खाना है, तो मछुआरा ऐसे करता है, थोड़ा सा कुछ फंसा देता है कांटे में, वो मछली को लगता है हाँ मेरा खाना आ गया, तो वो खाने के लालच से जाती है तो फंस जाती है, तो देखो उसका भी लालच है ना, वो भी सेंस कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो भी गलती है, तो चले गई और मछुआरे का भी काम हो गया, दोनों काम हो गए, तो बहुत अच्छा, तो यही चल रहा है बस। तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज पीपल दे वांट टू चीट, दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी चीटर्स, क्योंकि लोग चीट होना चाहते हैं, इसलिए चीटर्स की भी कमी नहीं है आजकल। अगर आप चीट होना नहीं चाहते हो तो आपको कोई चीटर्स नहीं मिलेगा, राइट, जैसे आप सब लोग हो, आप लोगों ने राइट पाथ अपनाया, इसलिए आप अभी कभी चीट नहीं हो पाओगे, बिकॉज नाउ यू हैव सिलेक्टेड राइट राइट पाथ। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस में नहीं आ पा रहे हैं, दे वॉन्ट टू चीट, तो बहुत सारे चीटर उनको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में मतलब विश्वास रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्चुअली उनका फेथ है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बट लेकिन क्या है, उनको सही गाइड, सही पथ प्रदर्शक, हाँ,
सही गुरु नहीं मिल पाता है, और वो इधर उधर के ढोंगी और धर्म के नाम पर प्रचार करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं और उनका जीवन फिर चला जाता है। आप में से भी यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बिजनेस प्रकार की योगा में फंसे हुए होंगे, लेकिन बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद और डेवोटीज नाउ यू हैव केम ऑन द राइट पाथ, राइट। तो ये है एक्चुअली कहने का मतलब। तो इसलिए देखने में कोई समस्या नहीं है, देखने के बाद आप अपना काम करो, राइट। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं लेकिन हम उतना उस पर ज्यादा फोकस थोड़ी नहीं करते हैं। जैसे कोई हम पढ़ाई करने के लिए, सपोज हम कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारी हम चीजें देख लेते हैं, देख लिया ठीक है अपना काम करो। दिक्कत कब है, जब देखने के बाद जब उसी पे हम जब कंटेम्पलेशन करना शुरू कर देते हैं, राइट। जैसे मूवी जब कोई व्यक्ति देखने जाता है तो मूवी देखने के बाद फिर वो सोचता रहता है, हाँ यार वो हीरो कितनी सुंदर थी यार, उसने मतलब उसकी वो उसके साथ शादी नहीं हो पाई, वो उसका दूसरा बॉयफ्रेंड था, उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड था, उसके बारे में सोचते रहते हैं। मूवी है ठीक है, थोड़े समय के लिए गया, देख के खत्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया खत्म, अब ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचते रहो, राइट। तो वो तो ये है, लेकिन जब उसको हम अपने रियलिटी बना लेते हैं जीवन का, तो फिर वो समस्या हो जाता है। तो वही यही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही से हो रहा है। इसने एक बार देख लिया इसको, नेक्स्ट क्या होगा, देखने के बाद फिर जो है संगात संजायते कामात, फिर कंटेम्पलेशन चल रहा है, कंटेम्पलेशन सोच रहा है उसके बारे में, लड़की के बारे में सोच रहा है, तो उससे फिर क्या होता है, हाँ संगात संजायते कामात, तो संगस्ते सुपजायते, फिर उसका कंटेम्पलेशन से उसका अटैचमेंट होता है किसके प्रति, फिर उसका संग करने के लिए अटैचमेंट बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे अटैचमेंट, राइट। जैसे अजामिल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अजामिल, तो अजामिल के साथ ऐसे ही हुआ था, राइट। उसके पिताजी ने भेजा था वन में लकड़ी लाने के लिए यज्ञ के लिए, जब वहां उसने देखा कि वैश्या और शूद्र और शूद्राणी, वन मैन वन वुमेन देवर, मतलब वो गले मिल रहे थे और वो सही रूप से कपड़े नहीं पहने थे, नहीं हाफ नेकेड, राइट। तो इस तरीके से वो देख के वो बिबल्ड हो गया। अब दिक्कत मालूम कहाँ हुई, दिक्कत यहाँ हुई कि एक उसने देख लिया ठीक है कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो जब घर आ रहा था तो वो सोच रहा था उस सीन के बारे में, उसके मन में बैठ गई ना, चित्र खिंच गया ना, फोटो खिंच गई, अब वो चल रहा है, ये तो नेचुरल है, ये तो नेचर प्रैक्टिकल हर व्यक्ति के साथ होता है, वो सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, ऑलरेडी ही वाज मैरिड, लेकिन फिर भी क्या है ना उसका, क्योंकि ये सेक्स डिजायर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि एक पत्नी होने के बाद भी वो जो है मतलब सोचो उसको कितना डिजायर थी, और उसने फिर घर की जो पत्नी थी उसको भगा के इसके साथ वैश्या की साधु की शादी की और 10 पुत्रों को पैदा किया, कितना लस्टी था, राइट। ये है ब्राह्मण था बट स्टिल सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल होती है ये सब चीजें, मतलब एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी मतलब ये पता नहीं कहाँ घसीट के लेके चले जाएंगे, अगर हमने सेंस को कंट्रोल नहीं किया तो, ठीक है। इसलिए वी शुड ऑलवेज वेरी वेरी केयरफुल, हमें लगता है कि ये चीजों से हमें सुख मिलेगा, हमें लगता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट है वो केवल बहुत ही दर्दनाक होने वाला है, और इसमें होता भी है, प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं, मूवी में भी वही दिखाया जाता है क्या होता है, और प्रैक्टिकली भी वही होता है। इसलिए दोज हु आर इंटेलिजेंट दे नेवर एंटेंगल्ड इन दिस टाइप ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो अटैचमेंट हो रहा है, अटैचमेंट के बाद फिर क्या हुआ, संगात संजायते कामा कामा, फिर फिर उसके बाद फिर दे वांट टू लाइक प्लेजर बॉडली अटैचमेंट, ठीक है। सो दीज ऑल आर वेरी कॉमन थिंग्स, दीज आर नॉट न्यू थिंग्स, हर जगह देखने को मिलेगा आपको ये, कॉलेजों में, सड़कों पर, मूवीज में, एवरीवेयर, ठीक है। सो दीज आर नॉट न्यू थिंग्स, वेरी कॉमन नाउडेज इन प्रेजेंट सिनेरियो, और यही सब चीजें हैं जो लोगों को बिगाड़ के रखी हैं। इसलिए वी शुड नॉट सी दिस टाइप पोर्नोग्राफीज एक्सेट्रा, ठीक है, नहीं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कामात क्रोध भी जाए थे, फिर जब लस्ट, जब जैसा अभी मैंने बताया, जब लस्ट फुलफिल नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फिर गुस्सा आ जाता है, अरे मैं तो सोच रहा था ये तो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन पता चला इसका तो दूसरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर क्या करेगा, या तो उस जिससे प्रेम करता था उसको मार देगा, या फिर उसको जो बॉयफ्रेंड उसको मार देगा, और प्रैक्टिकल यही होता है कि नहीं हो रहा है, यही होता है ना। तो जब लस्ट फुलफिल नहीं होता तो एंगर अराइजेस, जब एंगर जब हो जाता है तो क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहात, एंगर से फिर क्या होता है, कंप्लीट डिल्यूजन, फिर व्यक्ति पर पागल हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता क्या करें, मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया है ना, प्रेम के नाम पर मुझे उसने धोखा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, राइट। इस तरीके से फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस एंड देन फाइनली सम्मोहात स्मृति विभ्रमात, जब व्यक्ति डिल्यूजन फंस जाता है तो फिर उसका फिर बुद्धि काम नहीं करती, मेमोरी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसलिए वुमेन का नेचर हमें समझना पड़ेगा, आप लोगों को लगता है कि देखने में सुंदर है, ये केवल बॉडीली अटैचमेंट है, ऊपर से सुंदरता दिखती है। आप देखो बॉडी के अंदर जो डर्टी जो थिंग्स हैं, हमारे अंदर वही है, उनके अंदर वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या है, केवल बाहर का जो आवरण दिख रहा है ना, केवल हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं बस, और यही यही सबसे बड़ा माया है, यही हम इसमें फंस जाते हैं, जो इसको सह लेता है वो व्यक्ति बस निकल जाता है, जो यहाँ पे फंस गया बस गया, ठीक है। इसलिए हमें बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे और साधु का संग करना पड़ेगा।
अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, समूहात स्मृति विभ्रमात एंड स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। जब व्यक्ति की मेमोरी खत्म हो जाती है तो बुद्धि भी नाश हो जाती है, फिर बुद्धि जब चली गई तो फिर व्यक्ति को लगता है कि अरे यार वो तो मुझे छोड़ के चली गई, मैंने पूरा जीवन अपना पूरा दिल उसको दे दिया था और वो जो है मेरा दिल तो तोड़ दिया है, तो फिर क्या करेगी, दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है और फिर पड़ा रहता है सड़कों पर। होता कि नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है और लास्ट में फिर क्या होता है, फिर पड़ा रहता है कहीं ना कहीं। बुद्धि नाशत प्रणशति व्हेन इंटेलिजेंस लॉस्ट वन फॉल्स अगेन इनटू द मटेरियल, जीवन बर्बाद। अब जीवन कोई मतलब नहीं है, जिंदा हो मरना एक ही बात है अब उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तो समझ गए बात कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ठीक है, गलती कहाँ पे की और रिजल्ट उसका क्या हुआ। तो ये चीज प्रैक्टिकल है, इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने प्रैक्टिकल है। चार प्रकार के लोग होते हैं। फर्स्ट क्लास व्यक्ति वो होता है जो सुन के समझ जाता है। दूसरे लेवल का व्यक्ति होता है सेकंड क्लास, जो देख के समझता है। थर्ड क्लास होता है जो प्रैक्टिकली करके समझता है। फोर्थ क्लास का व्यक्ति होता है जो प्रैक्टिकल करने के बाद भी नहीं समझता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू इन विच कैटेगरी यू वांट टू, आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम अपना वापस आते हैं ट्रांसलेशन पर। प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं परपट में, वन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्सियस इज सब्जेक्टेड टू मटेरियल डिजायर्स व्हाइल कंटेंप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। ठीक है, तो वही चीज मैं बताया, क्या कोई व्यक्ति अगर कृष्णा कॉन्सियस नहीं है तो जो है फिर वो अपने मटेरियल डिजायर को कंट्रोल करना पाना उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। द सेंसेस रिक्वायर रियल एंगेजमेंट्स एंड इफ दे आर नॉट एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड दे विल सर्टेनली सीक एंगेजमेंट इन द लविंग सर्विस ऑफ मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेंसेस रिक्वायर रियल एंगेजमेंट। हमारे जो सेंसेस हैं कहीं ना कहीं एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए, बिना कुछ किए एक सेकंड भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो उसका नेचर है सेंसेस का, एंगेजमेंट चाहिए चाहिए। अब देखो छोटा बच्चा है, जो 5 साल का बच्चा होता है, वो खाली रह ही नहीं सकता। उसको आप कुछ ना कुछ दे दो, मोबाइल दे दो, कुछ उसको खिलौना दे दो, कुछ ना कुछ दे दो, भले ही वो उसको तोड़ दे, मरोड़ दे, कुछ भी करे, खा ले, लेकिन उसको एंगेजमेंट चाहिए चाहिए, नहीं तो फिर वो लौटता है, रोता है, बहुत सारी चीजें है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट उसको चाहिए ही चाहिए। तो हमारे साथ भी यही है, हमारे जो सेंसेस है ना, मैंने बताया जैसे प्रीवियस लेक्चर में, ये विनोमस सर्पेंट की तरह है, जहरीली सांप की तरह है, राइट। और इस पर थोड़ा सा अगर आपने बिलीव किया और ये आपको डस लेंगे, मतलब आप इस पर कभी बिलीव नहीं कर सकते, नेवर बिलीव। हाँ, जहरीली सांप की तरह होते हैं वो, आपको डसेगा ही डसेगा, भले ही आप उसके जहरीले दांत निकाल दोगे तब भी आपको फुसकारेगा तो हमेशा, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी है। उसी प्रकार से हमारे सेंसेस ऐसे ही है, जैसे ही आपने उसको फ्री छोड़ा वो तुरंत आपको गलत डायरेक्शन लेके चले जाएंगे। इसलिए एंगेजमेंट हमें देना ही देना पड़ेगा, लेकिन कौन सा एंगेजमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इफ दे आर नॉट एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड दे विल डेफिनेटली सर्टेनली सीक एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ मटेरियलिज्म। यही कारण है कि इस दुनिया में, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी के माध्यम से प्रेम की तलाश कर रहा है, गर्लफ्रेंड के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, स्मोकिंग के माध्यम से, ड्रिंकिंग के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेम की तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रियल प्रेम भगवान के साथ है, लेकिन अभी वो प्रेम जब वहां नहीं मिल पा रहा है हमें भगवान से, वो प्रेम हम अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से खोजने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। क्योंकि रियल प्रेम हमारा किसी और के प्रति था, लेकिन अभी उसको हम भूल चुके हैं यहाँ पे आने के बाद, और वो फिर हम अलग अलग चीजों से प्रयास कर रहे हैं, समझे बात। क्योंकि जो चीज एक्चुअल में जो चीज एग्जिस्ट है आध्यात्मिकता में, उसी चीज का परवर्टेड रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ऊपर जो प्रेम था रियल प्रेम, वो यहाँ पर अभी उसका परवर्टेड फॉर्म, मतलब क्या 180 डिग्री घुमा दो उसको, सीधा जस्ट उल्टा कर दो उसका, राइट। हमारा सिर ऊपर है, उसका 180 डिग्री कर दोगे तो सिर नीचे चला जाएगा, समझे बात। उसी प्रकार से जो रियल प्रेम है भगवान के साथ, वो यहाँ पे 180 डिग्री पलट गया, तो वो लस्ट बन गया है। प्रेम होता है हार्ट से, और लस्ट, लस्ट मतलब काम वासना है, वो होती है बॉडी से, समझे। तो अभी हर व्यक्ति जो बोलता है, जैसे लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू लव लेटर बोलते हैं, तो वो लव यू नहीं है एक्चुअली, वो क्या है आई लस्ट यू, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें भोगना चाहता हूँ, राइट, मतलब कि तुम्हारी बॉडी को एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, समझे बात। तो ये क्या है, ये प्रेम नहीं है, ये लस्ट है। अभी मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बताएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। प्रेम मतलब होता है मुझे क्या अच्छा लगता है, ये प्रेम नहीं है। सामने वाले जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे तुम प्रेम करते हो, उसको क्या अच्छा लगता है वो उसको फुलफिल करो, वो प्रेम है। और प्रेम में कभी कोई कंडीशन नहीं होती है, दैट इज अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होती कि तुम ये करोगे तो ये करेंगे, नो दैट इज नॉट प्रेम। जहां पे कंडीशन आ जाती है वो फिर प्रेम नहीं रह जाता है, दैट इज लस्ट, काम वासना, कि मतलब तुम्हारी कुछ डिजायर है इसलिए तुम ये कर रहे हो,
ये डिफरेंस है। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारी प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय मतलब आत्म मतलब खुद की इंद्रियों के लिए जो हम कुछ करते हैं उसको बोला जाता है काम, लस्ट। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारी प्रेम नाम, और भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, लेक्चर हियरिंग करते हैं, प्रसाद लेते हैं, डांस करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों का सुख लेते हैं, ये सबसे क्या होता है, हरे प्रेम नाम। ये क्या है, प्रेम है, दैट इज रियल प्रेम, राइट। और अभी यहाँ पे देखिए, केवल अगर इस भौतिक जगत में अगर कुछ प्रेम बचा हुआ है तो वो केवल हमारे पेरेंट्स के बीच में है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं तक, इसके अलावा जो कुछ भी है वो केवल लस्ट ही है, बस कहीं थोड़ा कम डिग्री में, कहीं थोड़ा हायर डिग्री में, बट लेकिन वो अल्टीमेटली लस्ट की तरह ही बढ़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारा डिजायर रहता ही रहता है, राइट। और माता पिता के प्रति भी हमारा जो प्रेम होता है, इसका मतलब है कि सोचो वो कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, रियल प्रेम है, उसका थोड़ा सा एकमात्र अंश है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर फील कर सकते हैं, राइट। और आप सोचिए कि जब हमारा प्रेम यहाँ पर है, अगर अगर फील करते हैं तो आप सोचिए कि भगवान के साथ हमारा प्रेम किस प्रकार का होगा, ये आप फील कर सकते हैं यहाँ, राइट। इसलिए यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो केवल एक अंश मात्र है, राइट। हर व्यक्ति जो है मतलब उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अमृत मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अस्तो मां सदगमय, हर व्यक्ति असत से सत की तरह जाना चाहता है, मतलब टेम्पररी से परमानेंट। देखो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति टेम्पररी चीज नहीं चाहता है, मेडिसिन लेता है तो व्यक्ति चाहता है कि बस अब कभी बुखार ना हो, लेकिन फिर भी आ जाता है, क्या करें, टेम्पररी है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, क्यों मरना नहीं चाहता है, क्योंकि ओरिजिनली हम अमर हैं, एक्चुअली वी आर इटरनल, बिकॉज वी आर सोल, स्पिरिट सोल, एंड सोल नेवर डाइज, बॉडी डाइज। तो इसलिए हर व्यक्ति मरना, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, क्योंकि हम हमेशा अमर हैं। जैसे कोई पक्षी जब घर के अंदर आ जाता है तो फिर वो दीवार में चोंच लड़ाता है, दीवार में खिड़की के आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बाहर जाना है, ये मेरा नहीं है एक्चुअली, मुझे बाहर जाना है, तो वहीं पर पहुंच पाता है। इसलिए हम भी जो है अलग अलग लोगों के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, वीमेन के माध्यम से, और मतलब ही खुश होने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हर स्टेप पे बेफल्ड हो जाते हैं, व्हाई, बिकॉज नो मटेरियल थिंग कैन सेटिस्फाइड स्पिरिट सोल, बिकॉज दीज थिंग्स आर मटेरियल एंड वी आर स्पिरिचुअल। हाँ, इसलिए सोल को सेटिस्फाई करने के लिए हमें स्पिरिचुअल चीज देनी पड़ेगी, जब तक आप स्पिरिचुअल चीज नहीं दोगे आप कितने भी हाथ पैर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप और एजिटेट हो जाएंगे। जिस प्रकार से आग में घी डालोगे तो और बढ़ती है, कम नहीं होगी, इचिंग होती है, खुजलाते हैं तो और खुजली बढ़ जाती है, और अच्छा होती है, और खुजला, और खुजला, और मीठा लगता है, लास्ट में ब्लड निकल जाता है। तो सेक्स प्लेजर भी ऐसा ही होता है, मतलब उसमें लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं लेकिन खुद का ही ब्लड जाता है उसमें। जैसे इसका एग्जाम्पल रूपा देते हैं, ऊंट जो है, कैमल क्या खाता है, कांटे खाता है, राइट। और जब कांटे खाता है तो उसकी जीभ कट जाती है और फिर ब्लड निकलने लगता है, और वो क्या सोचता है, ओ आई एम एंजॉयिंग दीज थॉर्न्स, सो नाइस, दीज थॉर्न्स आर सो स्वीट, राइट। तो हाउ फुलिश ही इज ना, खुद का ब्लड चूस रहा है और उसको लग रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो सेक्स लाइफ ऐसा ही है एक्चुअली, हम खुद का ही ब्लड चूसते हैं और लगता है कि हाँ वी आर एंजॉयिंग, तो ये हमारा इग्नोरेंस है। इसलिए वी शुड बी वेरी मच इंटेलिजेंट, राइट। तो जब तक हम कृष्णा कॉन्शियस में अपने सेंस को एंगेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे ही जाएंगे, और जहां पे कृष्णा कॉन्शियस के अलावा जहां पे भी जाओगे फिर आप बस फंस जाएंगे। इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू से नथिंग ऑफ अदर देन, मतलब लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा को तो छोड़ दो, राइट। ये तो बड़े बड़े मतलब ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, दीज आर टॉप मोस्ट डेमिगॉड्स, तो हेवन स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं को तो भूल जाओ आप, वो तो उनसे छोटे लेवल पे हैं। उसमें तो हमेशा एग्जाम्पल बड़े लोगों को दिया जाता है, ताकि जब उनको एग्जाम्पल जब हम सुनते हैं तो लगता है अरे यार इतने बड़े लोग जब मतलब बेफल्ड हो गए तो फिर क्या आशा कर सकते हैं हम, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो सब बोल रहे हैं कि कैसे ये लोग, ये भी लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा, इवन दे एजिटेटेड बाय दीज थिंग्स, अपोजिट सेक्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इज सब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द ओनली मेथड to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. The example diya ja raha hai Lord Shiva ka. Lord Shiva was deep in meditation, but ye aata hai Srimad Bhagavatam mein. Lord Shiva was in deep in meditation, aur wo hamesha kis mein, aap logo ko dekha hoga, Lord Shiva hamesha meditation mein rehte hain, hamesha. Kiska meditate karte hain wo? Wo meditate karte hain kiska? Sankarshan. Sankarshan matlab Balaram, hamesha. Aur kyunki aur dusra Balaram ka bhi naam lete hain, Ram Ram. ठीक है, तो इस तरीके से वो हमेशा रहते हैं, उनके हाथ में एक माला भी रहती है रुद्राक्ष की, तो वो हमेशा राम का नाम जपते हैं।
लॉर्ड शिवा वॉज डीप इन मेडिटेशन, बट वेन पार्वती एजिटेटेड हिम फॉर सेंस प्लेजर ही एग्रीड टू प्रपोजल एंड एज अ रिजल्ट कार्तिकी वॉज बॉर्न। तो आप सोच सकते हैं लॉर्ड शिवा इज कॉल्ड वैष्णवानाम यथा संभू, सारे वैष्णवों में सारे डिबोटियों में भगवान श्री कृष्ण के जितने भी डिबोटी हैं सब में टॉप मोस्ट डिबोटी कौन है, लॉर्ड शिवा इज द टॉप मोस्ट वैष्णवानाम यथा संभू, सारे वैष्णव सर्वश्रेष्ठ शिवा, बट स्टिल ही वॉज एजिटेटेड वेन पार्वती एजिटेटेड हिम। तो सोच सकते हैं कि कितना मतलब अपोजिट से कितना पावरफुल होता है, राइट। वहीं दूसरी तरीके से एग्जांपल दिया जा रहा है हरिदास ठाकुर का, जो मैं कल बोलने वाला था लेकिन फिर बीच में मीटिंग खत्म हो गया था। वहीं हरिदास ठाकुर, वेन हरिदास ठाकुर वाज अ यंग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड लाइक ऑल ऑफ अस, जब हमारी तरह वो यंग थे, क्योंकि जो सेक्स जो हमारे जो विचार है जो मेंटेलिटी है वो यंग लाइफ में सबसे ज्यादा होती है, 18 से लेके 25 26 साल तक, 27 28 तक भी, मतलब 30 साल तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इस एज में 18 से 25 तक तो ये बहुत टॉप लेवल पर रहता है एक्चुअली, राइट, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रहता है, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं एक्चुअली अपोजिट सेक्स के प्रति। तो जब उनकी एज हमारे जैसी थी तब इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है हरिदास ठाकुर का, ही वाज सिमिलरली अलर्ड बाय द इनकार्नेशन ऑफ माया देवी। मैं बता रहा था ना कल चिंतामणि को भेजा था नवाब हुसैन साय ने कि तुम जाओ, क्योंकि वो क्योंकि ये मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए थे, कौन, हरिदास ठाकुर, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो नवाब हुसैन साहब मुस्लिम का जो राजा था बोल रहा था कि ये तो हमारे जो हमारा जो ये है समाज है उसको बदनाम करेगा, मुस्लिम होकर भी ये नाम ले रहा है कृष्ण का, तो इसको तो मतलब समाज से निकालना पड़ेगा। बहुत प्रयास किया उसने, बहुत प्रयास किया, मतलब 22 बाजारों में पीटा उसने, लेकिन उसके बाद भी ने हरे कृष्ण महामंत्र जपना नहीं छोड़ा। तो फाइनली फिर उसने देखा अल्टीमेटली जब सारे शस्त्र फेल हो जाते हैं तो लास्ट में फिर एक ही ब्रह्मास्त्र आता है, वो ब्रह्मास्त्र क्या है, अपोजिट सेक्स, उससे कोई नहीं बच पाता है, ठीक है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उनको भी ओवरकम कर दिया, व्हाई, बिकॉज ही वाज द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो मायादेवी को उसने भेजा, बट हरिदास इजीली पास्ड द टेस्ट बिकॉज ऑफ हिज अनअलॉयड डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, राइट, बड़े से बड़ा भी ब्रह्मास्त्र भी फिर कुछ नहीं कर पाता है। पर यही मैं कल आपको बोल रहा था कि जो फिर वो जाती है वैश्या यूनियन करने का प्रयास करती है उसको बोलती है, लेकिन हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरा 3 लाख, हरिदास ठाकुर डेली 3,192 राउंड करते थे, कुछ नहीं खाते पीते थे, और जब तक माला पूरा नहीं होता था। तो उसने प्रपोज किया लेकिन हरिदास ठाकुर ने बोला कि नो, यू सिट देयर, लेट मी जस्ट फिनिश माई राउंड, देन आई विल डू वट एवर यू टेल। तो दूसरा दिन जब शुरू हुआ उसके बाद भी फिर उनसे प्रपोज किया, बोला कि नहीं अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, और समय लगेगा। 3 दिन 3 रात तक जो है वैसे वहीं बैठी रही, हरे कृष्ण महामंत्र का उसने सुना कान से, और सुनते 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 जो है वो उसके अंदर जितने भी जो अनर्थ निवृत्ति थे जो जिस पर्पज से वो आई थी वो पर्पज चला गया, और वो फिर हरिदास ठाकुर सामने फ्लैट हो गई पूरी तरीके से, और बोली कि नाउ आई एम कम्प्लीटली प्यूरिफाइड, मेरी आंखें खुल गई हैं, अब आप कृपया मुझे आदेश दीजिए। तो हरिदास ठाकुर उनको बहुत अच्छा आंसर देते हैं, बोलते हैं कि मैं केवल तुम्हारे लिए ही 3 दिन यहाँ पर रुका था, मैं तो उसी दिन जाने वाला था, लेकिन केवल तुम्हें शुद्ध करने के लिए, तुम्हें पवित्र करने के लिए मैं 3 दिन यहाँ पर कर रहा था, राइट। और फिर वो जो है वैश्या जो बहुत अच्छी भक्त बन जाती है, हरिदास ठाकुर उनको तुलसी माला देते हैं और तुलसी के यहाँ बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रहो और यहाँ पे जप करो, ठीक है, और धीरे धीरे जो है फिर तुम शुद्ध हो जाओगी, इस तरीके से उनको उनको शिष्य बना लेते हैं अपना। दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली। सो एज इलस्ट्रेटेड इन द अबव मेंशन वर्स ऑफ श्री यमुनाचार्य, ये मैं आपको कल भी बता था यमुनाचार्य का, यम मैथुन आदि ग्रह मेरी सुखम, सॉरी यदि मम चित्त कृष्ण पदार विंदो नव नव रस धामनी, कह जब जब ये भगवान की सेवा करते समय मुझे इतना रस मिलता है कि जब भी मेरे मन में सेक्स का ख्याल आता है तो मैं ऊपर थॉट मैं थूकता हूँ, ये कल मैंने बताया था क्लास में, राइट। तो ये वही है, तो यमुनाचार्य ऑल्सो इज अ वेरी सिंसियर डिवोटी, सिंसियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड्स, सन्स ऑल मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट ड्यू टू हिज हायर टेस्ट फॉर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। तो हमने आपको एक सेशन में ये टॉपिक हमारा ये भी था कि जब हायर टेस्ट जब मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है, तो उसमें आपको एक वीडियो दिखाया था कैसे श्रील प्रभुपाद जो है हिप्पीज को हैप्पी बनाया, क्योंकि उन्हें हायर टेस्ट दिया, ऐसा टेस्ट दिया कि जो हमेशा हमेशा रहेगा। तो वो चीज़ है, तो एक्चुअली अभी मालूम क्यों हम इन चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों हम ये स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन क्यों है, व्हाई, बिकॉज टिल नाउ वी डिडंट गेट द हायर टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज द मेन रीजन। जब आपको इसमें रस आने लगेगा ना तब आप ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, आपको मैकेनिकली अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, राइट। जब हायर टेस्ट मिलेगा लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको बस यही हायर टेस्ट देगा जब ये सब चीजें अपने आप चली जाएंगी। अब सोचो ना अमेरिका के हिप्पीज लोगों को जिसके लिए गवर्नमेंट परेशान हो गई, जेल में डाला, पनिशमेंट दिया, पूरी तरीके से बेफल्ड हो गई, वो काम श्री प्रभुपाद ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। वो गवर्नमेंट बोल रहे थे कि आपने ऐसा काम किया है जिसके लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने मतलब ये कर दिया, बहुत धन्यवाद।
इस तरीके से श्री प्रभुपाद ने वो काम किया, इसलिए श्री प्रभुपाद इज कॉल्ड जगत गुरु, ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ होल वर्ल्ड, हु हैज डन सच अ थिंग, who have never done such before, जिसने कभी ऐसा कभी किया नहीं, ना कभी कोई कर पाएगा, इसलिए आज वो पूरे वर्ल्ड में सब जगह पूछे जाते हैं, सब जगह जगत गुरु श्री प्रभुपाद, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in the control and the senses, by artificial repression, it sure ultimately fail. Artificially control करने से नहीं होगा भाई, ना ना. This process is not mechanical. This is a practical thing. You have to do something practical, then it will work. Artificial things will not work. For the slightest thought of sense pleasure will agitate him, gratify his desire. Right? आगे वाले श्लोक में इसमें यही बोल रहे हैं कि by development of Krishna consciousness, one can know that everything as its use in the service of Lord Krishna. जैसे मैं कल बोल रहा था कि इस दो दिन पहले ये अम्बरीश महाराज, जब अम्बरीश महाराज को जब ये दुर्वासा मुनि ने जब अपराध कर दिया था, तो फिर किस तरीके से कृष्ण ने उनको फिर वो चक्र छोड़ा और फाइनली लेकिन उनको बोला कि नहीं नहीं तुम अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किए हो तो मैं वही क्षमा करेंगे, तो अम्बरीश महाराज फिर उनको क्षमा करते हैं और अम्बरीश महाराज ही ऑल्सो वेरी प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा लाइक हरिदास ठाकुर, और वो बोलते हैं कि मम ये सावे मन कृष्ण पदारविंदु, कि कैसे मेरी हर बॉडी का पार्ट, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी नाक, मेरी जीवा, मेरे हाथ, मेरे पांव आपकी ही सेवा में हो, आंखों से मैं आपके दर्शन करूं, कानों से आपका भजन सुनूं, नाक से आपके द्वारा अर्पित हुए फ्लावर्स को स्मेल करूं, टंग के द्वारा केवल आपका ही प्रसाद खाऊं, राइट, और मेरा माथा केवल आपके ही चरणों में झुके, मेरे हाथ केवल आपकी ही सेवा में लगे, मेरे पैर केवल आपके धाम के दर्शन के लिए जाए, राइट. इस तरीके से ये भक्त है उनकी, मतलब इसमें किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि हम हमारी हर चीज जो हम मटेरियलिस्टिक जो चीज थी, जो गंदी जो चीज थी, जिसमें हम आंखों से नेकेड सीन देखते थे, है कि नहीं, कानों से मूवीज के सॉन्ग सुनते थे और मुंह से मीट ईटिंग वगैरह और उल्टा सीधा खाते थे, राइट, उन्हीं चीजों से हमें भगवान की सेवा में इंगेज कर देना है, राइट, तब जाके वो रियल सेटिस्फेक्शन मिलेगी. इस तरीके से those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material things, artificially मना करते हैं, लेकिन result क्या होता है, result although they desire liberation from material bondage they do not attain the perfect sense of renunciation. तो material artificially करने से नहीं होगा. कल मैंने आपको योगा इस example दिया था, विश्वामित्र का भी example दिया था, योगा will not work especially in this age, तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा उतना तो ये उम्र भी नहीं है, एज भी नहीं है, और हमारे सेंस भी कंट्रोल नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे, राइट. सो कॉल्ड रिलैक्सेशन विल नॉट वर्क. जैसे एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद बैठे थे और एक ये बैरागी बैठा था, फाल्गु बैरागी, मतलब ये क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल मायावाद. तो जब उनके दोनों के सामने जब टेस्ट करने के लिए कौन सही मतलब साधु है, तो एक अटैची रखी गई पैसों की, देखा जाता है कि कौन कितना है. तो जो मायावादी था, जनरली साधु क्या करते हैं, साधु का किसी मतलब किसी मटेरियल चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं होता, वो डिटैच होते हैं, तो वो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं माया ही माया, हटाओ यहाँ से. लेकिन प्रभुपाद ने बोला इधर लाओ, अपने पास रख लिए. तो अब देखने से लगे, अरे यार प्रभुपाद ने कैसे पैसों को रख लिया, पैसा तो माया है. नो, पैसा लक्ष्मी, मनी, मनी इज नॉट माया इफ इट कैन बी यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. ईशावासम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, हर चीज भगवान की है तो भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए ना, हम उसको खुद के लिए थोड़ी ना यूज कर रहे हैं. हाँ, अगर खुद के सेंस क्रिटिफिक्स कर रहे हैं तो उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन प्रभुपाद तो जो कुछ भी आता था उसके लिए मंत्र कष्ट कराते थे, बुक जूस में लगा देते थे, बुक प्रिंटिंग में लगाते थे. तो ये है एक्चुअली, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी डोंट लिव टू एनीथिंग, बट वी हैव टू यूटिलाइज एंड एंगेज एवरीथिंग इन द इन अ स्पिरिचुअल वे, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. ठीक है, सो देयरफॉर ही डज नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस. ठीक है, उस तरीके से ये है. सो द डिवोटी टेक्स प्रसादम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेयर एज नॉन डिवोटी रिजेक्ट्स एज अ मटेरियल. हमें कुछ रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि उसी को स्पिरिचुअल कन्वर्ट कर देना है, दैट इज राइट. इसलिए डिवोटीज जो लोग बेस में रहते हैं वो लोग प्रसाद खाते हैं, राइट, वो चीज भगवान को भोग लग गई है, तो कुछ छोड़ना नहीं है. द इम्पर्सनल देयरफॉर कैन नॉट एंजॉय लाइफ ड्यू टू इट्स, क्योंकि इम्पर्सनल वो सोचते हैं भगवान तो इम्पर्सनल है तो भगवान को क्यों खिलाएंगे. लेकिन डिवोटीज लोग वो जानते हैं कि भगवान इम्पर्सनल नहीं है, भगवान पर्सनल है हमारी तरह, इसलिए उनको आरती करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं भगवान की, राइट, उनको खाना खिलाते हैं भगवान को, क्यों, वो हमारे जैसे पर्सन है. सर्दी पड़ती है तो उनको कपड़ा पहनाते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हैं, मंदिर में भी गर्म कपड़े पहनाते हैं, सुबह सुबह हमारी तरह पर्सन है, सुबह सुबह दिन में कम से कम 6 बार उनको भोग लगता है, बिकॉज ही इज ए पर्सन लाइक अस. इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, अरे भगवान ह्यूमन फॉर्म में आए हैं. ये तो इस तरीके से लोग नहीं समझ पाते. Only those who are devotee they can understand. Yes, he is my lord, the master. So it is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation,
falls down again to this to his not having support in devotional service. इसलिए अगर कोई युग के माध्यम से भी अगर कोई प्रयास करना चाहता है भगवान का, तो वो एटमोस्ट लिबरेशन तक पहुंच पाएगा, लेकिन भगवान की सेवा में एंगेज ना होने के कारण उसको अगेन फिर से यहीं पे आना पड़ेगा। क्यों? सेंसेस है, मतलब कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो चाहिए। और इम्पर्सनल मतलब क्या है? इम्पर्सनल मतलब भगवान कोई फॉर्म नहीं मानते वो लोग, तो तुम जब फॉर्म ही नहीं मानोगे तो सेवा कैसे करोगे? जब तक सेवा नहीं करोगे तो मेडिटेशन काम नहीं करेगा, आपको फिर से यहीं पे आना पड़ेगा, तो वो फिर से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये तो इसलिए दैट इज व्हाई कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली होप, देयर इज नो होप इन दिस मेटल एट ऑल। ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड इट इज वेरी सिंपल इजी। तो दो वीडियो आपको बस देखते हैं कि किस तरीके से जो है अपोजिट सेक्स खतरनाक होता है और हमें उसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे दिखाते हैं, ये बात दूसरा दिखाएंगे, ये वाला। यस, वेट वेट वेट, मैंने फिर से एक्चुअली ये साउंड मुझे साउंड देना पड़ेगा क्योंकि साउंड नहीं आता है। या नाउ इट विल कम। चलो ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। I wish to narrate one short story that one man, one boy, was attracted by a beautiful girl. So the girl does not agree and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strictly. So the girl was not agreeing, so she said, "All right, I agree after 1 week. You come." She appointed such and such time he come. So the boy was very glad. And the girl took some pargeti throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice pot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, "Where is that girl?" She said, "I am that girl." No, you are not. You are so ugly. She was so beautiful. You are not that girl. "No, I am that girl, but I have now separated my beauty in a different pot. What is that?" "She said, this is the beauty, this stool and vomit. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes immediately. So my point is that, as stated in the Srimad Bhagavatam, that this bodily concept of life is not very sanguine." ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये हमें बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे बॉडी में जो भी सुंदरता है वो केवल हमारे अंदर जो भी है, पस, ब्लड, यूरिन, स्टूल, जो भी है केवल वही सुंदरता है बस। जैसे वो जब निकल जाता है तो फिर पूरा जो शरीर है पूरा अगली हो जाता है। अब खुद देखो, जब कोई बीमारी हो जाती है, जब दस्त लगते हैं, लूज मोशन होते हैं, सपोज एक हफ्ते तक लूज मोशन होता है, तो हमारा पूरा बॉडी, शरीर की जितनी सुंदरता है, पूरा गाल पूरे पचक जाते हैं, है कि नहीं, पूरे हम दुबले पतले हो जाते हैं। प्रैक्टिकली फील किया कि नहीं किया? जब हम कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, 6-7 दिन तक कुछ खाते नहीं है, तो पूरा शरीर दुबला पतला हो जाता है। प्रैक्टिकल है कि नहीं है? तो शरीर की जो सुंदरता है वो केवल बस ये खाने पीने से है बस, है ना? तो इसलिए, और हम जो व्यक्ति जो अट्रैक्ट होता है वो सोल से अट्रैक्ट नहीं होता है, वो केवल बॉडी से अट्रैक्ट होता है बस। जैसे इसमें एग्जाम्पल कृपा दे रहे थे, तो जो उस लड़की को प्रेम नहीं कर रहा था, वो उसके केवल शरीर को प्रेम कर रहा था, लेकिन जब शरीर को, जब चेहरा जो था जो बिगड़ गया, तो फिर जो है बोल रहे नहीं, हम ये नहीं, हम दूसरी जो गर्ल थी वो उसको ले गया, बोल नहीं हम वही हैं। ठीक है, दिखा रहा है, दिखाया तुम मुझसे प्रेम करते थे ना, ठीक है, तो जो मेरा प्रेम है वो यहाँ पर है, ये स्टूल है, ये वोमिटिंग है, ये है मेरी सुंदरता, जाओ उसको कहाँ, उसके पास कैसे जाएंगे, इतना गंदी स्मेल आती है वहां से, है कि नहीं? तो ये है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रेम किससे कर रहे हैं, है ना, आत्मा से कर रहे हैं या शरीर से कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है बस, फाइनली इसको खत्म करके आपको ये एंड कर दें लेक्चर को।
किस तरीके से, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव, लव और लस्ट में क्या डिफरेंस होता है? There was a young man who was in love with a girl. He would constantly think about her, dream about her, would write messages to her, and he really wanted to marry her. In spite of all of his best efforts, he could not really find out what was there within her mind. She would smile at him, she would sometimes speak to him, but he was very eager to find out whether she really loves him or not. So one day he approached her and expressed her desire that he's in love with her and he wants to marry her. But the girl rejected his offer and said that she was not interested. When the man shared this news with his other friends, all of them told him, "You wasted so much of your time trying to chase someone who was not at all interested in you. You wasted your life, and it was such a major loss for you." He looked at them and said, "No, actually, I lost someone who did not love me at all. But she lost someone who really cared for her and loved her. And therefore, her loss is the real loss, not my loss." This person was an embodiment of positivity and refused to be distressed and depressed in any kind of negative situation. Krishna explains in the Bhagavad Gita, "Mayi sarvani karmani sanyasyadhatma chetasa nirashir nirmamo bhutva yudhyasva vigata jvaraha." Krishna says, "O Arjuna, fight this battle without any sense of false ego. Fight this battle as an instrument in my hands. If we live life with the desire to serve the Lord and be His instrument, we will ultimately experience the real deep-rooted satisfaction and peace. Love means not to expect, but love means to express and to serve and please the others. Love is not about selfishness. Love is about selfless service." Okay, Hare Krishna to everyone. So last wali video mein bhi hum yehi dekh sakte hain ke kis tarike se love ki jo difference hoti hai wo kya hoti hai, theek hai, not selfish but selfless service and unconditional, unmotivated, नहीं है? सामने वालों को जिससे हम प्रेम करते हैं उसको क्या अच्छा लगता है और उसकी इच्छा की पूर्ति करना, ये है। भले हमें प्रेम में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रेम में जो व्यक्ति प्रेम करता है उसको कष्ट ही मिलेगा, इसलिए तो इस जीवन, इसलिए यहाँ जगत में कोई प्रेम नहीं करता, इसलिए तो प्रेम नहीं है। क्यों, कौन कष्ट पाना चाहेगा भाई? प्रेम मतलब आपको कष्ट मिलेगा। जैसे घर में माँ रोटी खिलाती है, गर्मी के दिनों में इतना पसीना पसीना आ जाता है, लेकिन माँ घर फिर भी परिवार को रोटी खिलाती, क्यों? बिकॉज शी लव्स एवरीवन, प्रेम है इसलिए वो खिलाती है। ठंडों के दिनों में इतनी सर्दी होती है, लेकिन माँ फिर भी सुबह 4 बजे उठ के सब्जी खाना बना दे, क्यों खिलाती है? प्रेम है, ये प्रेम है। वहां की जगह कहीं प्रेम नहीं है, सब लस्ट ही है केवल। व्हाई? बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ग्रेटिफाई हिज सेंसेस, दैट इज द थिंग। इसलिए श्रील प्रभुपाद गिव सच अ नाइस थिंग, कृष्णा कॉन्शियसनेस इन विच वी विल गेट रियल लव, राइट? एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो होप। Love is there in between devotees and Krishna, right? Thank you so much to all of you. आज अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, आज हमारे पास टाइम है। Does anybody have any question? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Pramod. प्रभु जी, कभी कभी ना जैसे कि बॉडी लेवल पे हो जाते हैं, मटेरियली वर्क कर रहे होते हैं तो बॉडी लेवल पे सब हो रहा था, लेकिन
वो क्या होना चाहिए कि हाँ हमेशा ये याद रहे कि हम सोल हैं, जो हमें ये करना चाहिए इस टाइम, ये होना चाहिए। नो, जब तक हम स्टूडेंट हैं तब तक हमारा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज अवर ड्यूटी? टू स्टडी नाइसली, राइट? जब तक हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ मीन्स टू स्टडी नाइसली। हाँ भाई, देखो भक्त का बस यही काम है, जैसे आप अभी स्टूडेंट है तो आपको बस दो ही काम अच्छे से करना है। क्या अच्छे से काम करना है? बस दो काम अच्छे से करना है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है और भक्ति अच्छे से करना है। टू थिंग्स यू हैव टू डू नाइसली। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं करना है बस। बाकी इसके अलावा तीसरा कोई काम करोगे तो केवल डिस्ट्रेक्ट करेंगे आपको, पढ़ाई से भी डिस्ट्रेक्ट हो जाओगे और भक्ति से भी डिस्ट्रेक्ट हो जाओगे। तो पढ़ाई करना स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई करना वो भी एक भक्ति है, दैट इज ऑल्सो भक्ति, राइट? डोंट थिंक इज इट नॉट भक्ति, दैट इज भक्ति। क्योंकि आगे जाके आप सपोज कलेक्टर बन जाओगे सपोज, या प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे सपोज, तो क्या करोगे? जैसे अभी देखो हमारे यहाँ पर जो राज्य गवर्नर के हम प्रोग्राम करने गए थे, उसको पूरी गीता याद है। मैंने आपको ये वीडियो भी छोड़ा था, अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो इतना अच्छा उन्होंने सॉन्ग भी गाया था, है ना? तो उनको गीता के सारे श्लोक हैं याद हैं, हमारे जो गवर्नर है कैलाश जी, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, भगवद गीता के फॉलोअर हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जब बड़े बड़े लीडर जब कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, राइट, तब जाके फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। तो आप आगे जाके जो भी किसी भी पोस्ट पर जाएंगे सपोज, तो वो तो आप कृष्णा कॉन्शियस के लिए करोगे ना, प्रचार करोगे ना, तो कृष्णा कॉन्शियस हो गया ना आपका, राइट? तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी यस, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु। कमल कमल धन्यवाद हाँ, कमल लोचन बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आपका डिवाइन फेस हमें वो दिखाई जो नहीं दे रहा। कॉन्टेम्पलेशन होता है मैटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट पर सर प्रभु जी, आपका डिवाइन फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। हरे कृष्णा। अभी आया प्रभु जी। हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। जी, जो कॉन्टेम्पलेशन होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसको हटाकर हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, मगर फिर से कॉन्टेम्पलेशन उधर चला जाता है, तो ये दोबारा से हरे कृष्णा कॉन्टेम्पलेशन मंत्र इधर उधर स्विंग होता रहे। जी प्रभु, कीजिए। जब जब आपका दिमाग हटता है तब तब आपको बाहर बार बार उसको लेके आना है, दैट इज द ओनली प्रोसेस। हाँ और चैंटिंग में हम क्या करते हैं? तो चैंटिंग में हम ये तो करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं तो मन हमारा जो है बार बार डिस्टर्ब होता है, इधर चला जाता है उधर चला जाता है, इसलिए हम फिर दोबारा से फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बीच में सो जाते हैं, फिर दोबारा जगाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे। ये है, दिस इज द ओनली सिंपल प्रोसेस, राइट? जब जब मन डाइवर्ट होगा तब तक वापस हम उसको लेके आना है, यही है एक्चुअली, और कुछ दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, कितना प्रैक्टिस करें अब तो चैटिंग हर टाइम नहीं करते, चैटिंग तो करते हैं या फिर जब फ्री होते हैं। एक्चुअली आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं सही 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 तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ आपका प्रश्न। नहीं तो आप मुझे पर्सनली बाद में व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? अभी किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए अभी, तो काफी टाइम हो गया एक्चुअली, क्योंकि मीटिंग को एंड कर सकते हैं। और किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखिए, और कल फिर हम फिर मिलेंगे इसी समय पर नई लिंक के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच।